हेलो एवरीवन, आज हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में लास्ट टाइम हमने किया था कि जो एनर्जी है, हमने दो तरह की एनर्जी को डिस्कस किया था, ठीक है। एक तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, ड्यू टू ऑब्जेक्ट मोशन। पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू टू इट्स पोजिशन, ड्यू टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ जी, आज हम करेंगे इज द वेरियस एनर्जी फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टेबल, कि क्या जो अलग अलग फॉर्म्स है एनर्जी की वो इंटरकन्वर्टेबल हो सकती हैं। इज द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल कि वेरियस फॉर्म है जो एनर्जी की, अलग अलग फॉर्म है, क्या वो एक दूसरे में चेंज हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। हमारी जो डेली लाइफ में हम देखते हैं प्रोसेसेस, उसमें हम देख रहे हैं कि एनर्जी एक जो एनर्जी है एक फॉर्म एनर्जी की दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। जैसे जैसे ये बल्ब ऑन है तो हम बोल सकते हैं ये बल्ब क्यों ऑन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है किसमें, लाइट एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, क्लियर। हाँ जी, जो बिजली बनती है हमारी, ठीक है, बिजली बनती है विंड मिल में, तो हम बोल सकते हैं विंड एनर्जी, जो विंड एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अगर फैन चलता है, ठीक है, फैन चलता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसको वो घुमा रहा है, ठीक है, क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स में वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बड़े बड़े डैम्स होते हैं, ठीक है, वाटर एनर्जी है, उसको चेंज हम करते हैं किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इंटरकन्वर्टेबल है एनर्जी, एक फॉर्म से एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना पॉसिबल होगा, ठीक है, पॉसिबल होगा, या फिर एक फॉर्म से एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, कंजर्वेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये एक नोबल लॉज होते हैं, जनरल लॉज होते हैं, ठीक है, कि हर एनर्जी की फॉर्म इसको क्या करती है, इसको फॉलो करती है, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या बोलता है कि हमें पता है कि हम एक फॉर्म को, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बिफोर कन्वर्जन जो हमारी एनर्जी है और आफ्टर कन्वर्जन जो हमारी एनर्जी है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है, वो क्या रहेगी, ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो जा सकती है बट वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इट स्टेट्स दैट
इट स्टेट्स दैट द एनर्जी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो मैं उसको क्रिएट कर सकता हूं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। ठीक है, बट इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, लेकिन उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर मैं बोल सकता हूं द एनर्जी बिफोर कन्वर्जन इक्वल होगी एनर्जी आफ्टर कन्वर्जन। ठीक है, आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है, जो एनर्जी है कन्वर्जन से पहले भी उतनी ही रहेगी और कन्वर्जन के बाद भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, इसको एक दूसरे में हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं बट क्रिएट ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, इसको हम एक एग्जांपल भी लेकर समझ सकते हैं। जैसे मान लो फ्री फॉल हो रखा है, ठीक है, फ्री फॉल हो रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मैं उसको ऊपर से ड्रॉप आउट कर देता हूं, गिरा देता हूं। ठीक है, तो मैंने देखा यहां पर इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है, देयर इज नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट इसके पास नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ठीक है, mgh, जिसमें m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, h क्या है, हाइट, किस हाइट से मैं उसको गिराऊंगा। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू जीरो, तो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको गिरा देता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होती रहेगी। ठीक है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि वी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती रहेगी। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, जब ये ग्राउंड पर आ जाता है, ठीक है, जब ये ग्राउंड पर आ जाता है तो मींस इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर हाइट जीरो हो गई तो यहां मैं जीरो पुट करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी या लीस्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि बढ़ रही थी काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मींस इंटरकन्वर्टेबल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ये कन्वर्ट तो हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, जो टोटल है या जो सम है इनका, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का, mgh का, और काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पर। ठीक है, चाहे मैं यहां पर भी देखूं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जो सम है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सम कांस्टेंट हो जाएगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर घटेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर बढ़ेगी। ठीक है, तो यही प्रूफ करता है क्या,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।